अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लिखे हैं एक बेहतरीन पेशकश, सुनो चंदा, एपिसोड नंबर 3 पार्ट 1। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखेगा बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सब ने हमेशा कमेंट्स करते हो आप, एंड आप सब ने हमें बताया अजिया है उसका नाम, जिया नहीं अजिया, अजिया अजिया है उसका नाम, जिया नहीं अरसल अजिया ऐसा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम थोड़े से बेवकूफ़ हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम लगता है हमें। थैंक यू यार। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड, क्योंकि शादी होने वाली है अजिया और अरसल की, बट उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो हमें बहुत हंसाएंगी। बिल्कुल, क्या बोलते हो, रुकावटें आएंगी जो हमें बहुत हंसाएंगी। वाह वाह, तो चलिए आगाज करते हैं। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती कि मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल सकती। पूरा मंजर मसलन क्या करती, मसलन मैं ये करती कि मैं एनएससी में एडमिशन लेती और सब को छोड़ छाड़ कर बाहर में डाल के चली जाती। तो चले जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ ड्राइंग रूम में। सलो भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के ले रहा हूँ उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे क्या हुआ था वहाँ पे। सच्ची में टीचर, मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सलो भैया जान निकाल लेंगे आपकी, और उस हफ्ते मेरी भी मैरिज आ गया थोड़ी देर के लिए। भाई नहीं है तो मेरा, हाँ मेरा मेरा प्यारा भाई नहीं, रात में ना पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से, डन। सही, अब चली जाए ड्राइंग रूम में, वो बैठे हुए हैं और वैसे भी सलो भाई उन्हें खाने पीने के लेने गए हैं। अरे बाप रे, पागल तो नहीं हो गए हो? अरसल को पता चला ना वो बहुत माइंड करेंगे। जी तुम भाई मेरी जान, वैसे भी ना तायापा ने शाम में अरसल के दिमाग को ना थोड़ा टिमिंग किया तो ठीक रहेगा। तुम क्या बैठे देख रहे हो, जाओ अपनी बहन के साथ। चार पांच बंदों पे भारी है। कड़क का दोस्त है ना। क्या है? चंगे जमशेद मेरा ब्याह तो कराया था ना, इसी बात का गुस्सा है बीजा को।
काफी ज्यादा गहरा रिश्ता तो नजाकत और जमशेद भाई का उनसे, तो क्यों ना हो एक ही घर में पले बड़े। तो जमशेद के अब्बा जी की डेथ के बाद उन्होंने यहाँ पे आना जाना बंद किया। सुन मैंने खीर बनाई करनी है बहुत। हाँ ना बना छोड़ दे। बड़े प्यारे तरीके से उर्दू बोलते हैं ना सारे, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को सुन के। शेरे जी बेटा मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं, येलो शर्ट के साथ। आगा जी शादी अरसल और जिया की आपकी नहीं वैकेंसी है उधर, चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। वैकेंसी जब भी सोचेंगे ना अपने बारे में सोचेंगे। नागा मैंने तेरे बारे में सोचा है, तेरे जहन में है कौन बीजा की नवासी। हाँ जैसे वो फोन मान जाएंगे रिश्ता देने के लिए। अरे इतनी मायूसी किस बात की है, बस तू देख बीजा के जहन से ना बस वो बरात वाला गम उठाना है, खत्म करना है, वॉश करना है, इसके बाद तुम देखो शब देख कैसी बनती है। नवासी मतलब जलाल अंकल की। हाँ जलाल अंकल और अब्बा भाई साहब भी आ गए।
भाई तेरे कामने सामने लंदन जाके पढ़ना चाहती हो जी ना स्कॉलरशिप भी लोगी ना जी कौन है ये लड़का जो तुम इस तरह के ख्वाब दिखा रहे कौन लड़का घर तक ला लिया शर्म नहीं है तुम्हें देख क्या हुआ क्या ये लड़का कौन है क्या हो गया तुम फोन तो नहीं रहे हैं नींद में तो नहीं है कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने घर में अरे रिएक्शन ऑन सुनो चंदा एपिसोड नंबर 5 Part 2 सुनो चंदा एपिसोड नंबर 3 Part 1 बहुत ज़्यादा भाई साहब जैसे वो मतलब एकदम कैसे बोलूँ मैं भाई क्या मज़ा आ गया भाई क्या एक तो भाई ने प्लानिंग तगड़ी की है उसके बाद भाई ने वो प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन इतना तगड़ा किया अरसल भाई ने मम्मी पप्पा को भेज दिया और मम्मी पप्पा ने क्या जड़ा है उसके मुंह पे उसके पप्पा एक नंबर है भाई अजिया के पप्पा कितने क्या सही है भाई कैरेक्टर चुन चुन के लेके आया उसके बाद मम्मी मम्मी क्या थप्पड़ मार रही थी उसको मेरे को इतना भाई इतना एकदम अलग तरीके से भाई वो कुछ बोल भी नहीं रही बेचारी खा रही ना थप्पड़ बच्चे जैसे थप्पड़ खा रही ऐसे अगर किसी को थप्पड़ मारे काट दे ऐसे अगर किसी को थप्पड़ मारे मारे समझ गया क्या बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी और एकदम एंटरटेनिंग ये ड्रामा है मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच गाइस आप सब ने हमें ये सजेशन दिया इस वजह से हमने स्टार्ट किया ये ड्रामा पे रिएक्शन करना नहीं तो हम तो कर ही नहीं रहे थे ना एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जलाल अंकल का वेट कर रहा हूँ कि जलाल अंकल कब आएंगे एंड ये बोल रहे थे ना अगर जलाल अंकल को पता चल गया भाई साहब और फोटो वीटो देख ली अगर उन्होंने और मैसेज पढ़ लिया क्या होगा भाई उस टाइम भाई वो जलाल अंकल का फेस देखते हैं ना जब और जब वो आते हैं जिस हिसाब से वो बोलना स्टार्ट करते हैं ओ भाई बहुत 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 अच्छा लगता है यार एंड कैरेक्टर्स बहुत सही हैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा कॉमेडी था एंटरटेनिंग था एंड मतलब 12 मिनट का सीन था कभी खत्म हो गया पता नहीं चला बहुत ज़्यादा कॉमेडी था एंड अभी देखने वाला लगा एंड अभी जलाल अंकल को अगर गलती से भी पता चल गया भाई देखने वाला होगा बहुत ज़्यादा कॉमेडी था पूरा फनी था पूरा एंटरटेनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है एक एपिसोड देखने में आई मीन जो हम पार्ट्स करते हैं बहुत ज़्यादा ऑसम था देखते आगे आगे क्या होगा है ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी एंड कुछ भी ट्विस्ट भी आ जाते हैं बीच में
एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. मिलते हैं अगले वीडियो में. शबा खैर. बाय बाय. टेक केयर. सी यू.